दीजिए आप। खमागणी, मैं रंभा कंवर शेखावत, जिला सीकर के अध्यक्ष। जो जयपुर के जो रजवाड़ा रिसोर्ट है, इसके अंदर तीन दिन जो प्रोग्राम चला दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ, इसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? बिल्कुल, ये तीन दिन का हमारा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की तरफ से सगाई समारोह था, जिसमें हमने मतलब ग्रेजुएशन नॉन ग्रेजुएशन का अलग अलग मतलब अलग अलग हमने ये इस बार तीन दिन का रखा, तो उसमें हमने कैटेगरी वाइज रखा, कैटेगरी हमारे बायोडाटा के हिसाब से कैटेगरी थी, तो उसमें क्या हुआ कि हमें बहुत अधिक सफलता मिली, मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा रहा जिससे हमें सफलता भी अधिक मिली। हमने इस बार क्या करा कि गोत्र वाइज टेबलें अलग अलग लगाई और बाहर हमारे टेबलों की व्यवस्था थी। अब फिर हमने परिचय सम्मेलन का एक अलग से वो अंदर हॉल में किया, जिसमें हमने बना और बाईसा को बुला के वहाँ पे परिचय करवाया, तो उस परिचय से भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बना और बाईसा ने अपना अपना परिचय दिया, जिससे इस बार हमारे रिश्ते और अधिक जुड़ पाए और हमें अधिक सफलता मिली। तीन दिन में लमसम कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? तीन दिन के अंदर आपको मैं बताऊं, कम से कम मतलब हमारे रिश्ते करीब हुए हैं 60 से 70, और लोगों की तादाद तो बताऊँ, तीन दिन होने की वजह से हमारे अलग अलग कैटेगरी वाइज थी, इसलिए हमारा रश तो काफ़ी रहा। कम से हमारे पर डे 200-300 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने रिश्ते जोड़े हैं, और गैदरिंग हमारे कम से कम 250-300 तो हमारे कार्यकर्ता जयपुर से हैं, इसके अलावा हमारे बाहर से भी कार्यकर्ता आए और हज़ारों की तादाद में यहाँ बायोडाटा आए हैं और हज़ारों की तादाद में अभिभावक आए। लेकिन जो बना और बाईसा को लेकर आए थे, उन अभिभावकों की संख्या काफ़ी अधिक रही है और यहाँ परिणाम बहुत अच्छे मिले हमें। अगला प्रोग्राम कब, कहाँ, यहाँ जयपुर में प्रोग्राम है या अभी उसकी रूपरेखा बनी नहीं है? अभी जयपुर का तो नहीं है हमारा, अभी हमने जयपुर में गया, अगले मंथ हमारा जो इससे अगले मंथ है वो 6 तारीख को हमारा होने वाला है, वो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। राजस्थान में कब करने जा रहे हुकुम? हुकुम, माफ़ी चाहूँगी, मध्य प्रदेश में हमारा 6 तारीख को होने जा रहा है, उसके आगे फिर हमारे प्रतापगढ़ की योजना बन रही है, तो आगे से आगे हमारी प्लानिंग चल रही है। अभी हमारा सिर्फ मध्य प्रदेश का है, वही डेट फिक्स हुई है, बाकी और जगह के अभी डेट फिक्स नहीं है। यहाँ जो लोग आए हैं बाहर से, उन्होंने हमें आगे से आगे प्लानिंग दी। इस बार हम लोगों ने जिले वाइज इस चीज़ को फैलाया, हर जिले में हम एक कार्यकारिणी संस्था बना रहे हैं, हर जिले में एक अध्यक्ष बना रहे हैं, वो अपना एक समूह बना रहे हैं, फिर ये प्रोग्राम आगे जाके जिले वाइज होने वाला है। इस बार यहाँ जो प्रोग्राम हुआ तीन दिन, तो कहाँ कहाँ से लोग पधारे हैं? इसमें हुकुम लोग जो अभिभावक हैं वो तो बहुत दूर दूर से आए हैं, इसके अलावा कार्यकर्ता का मैं बताऊं कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, रिश्ते जोड़ने में, सहयोग देने में हमारे मातृशक्तियाँ, हमारे वहाँ से भीलवाड़ा से मातृशक्तियाँ यहाँ पे आई है, प्रतापगढ़ से आई है, अलवर से आई है, मध्य प्रदेश से आई है, तो बाहर से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अभिभावक तो हर जगह से आए, कोने कोने से अभिभावक आए और उन्होंने बहुत सराहा हमारे प्रोग्राम को। और इस बार जो हमने ये कैटेगरी वाइज रखा था और जो हमने अलग अलग गोत्र वाइज टेबलों की जो व्यवस्था की थी, वो बहुत ही सराहनीय रहा, उनसे बहुत ही मतलब उनको सहायता मिली, तुरंत टेबल पे पहुंचना, उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ा। इसके अलावा सबने सराहना की कि यहाँ पे फोटोकॉपी वगैरह की सारी चीज़ों की व्यवस्था थी, तो उन्हें बिल्कुल भी अव्यवस्थित कोई काम नहीं लगा और इस कारण से हमें परिणाम भी बहुत अच्छे मिले हैं। आप अपना परिचय एक बार और बता दें। मैं रंभा कंवर शेखावत, जिला सीकर की अध्यक्ष। तो यहाँ दहेज विरोधी क्षेत्र संघ में कौन से पद पर हो आप? मैं जिला सीकर की अध्यक्ष हूँ। जी 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 जी, तो सीकर से बता रहे हो आप? जी, मैं रहती जयपुर में हूँ पर मेरा क्षेत्र सीकर है और मैं बहुत सालों से समाज में जुड़ी हुई हूँ, इस संगठन से मैं अभी जुड़ी हूँ, तो वहाँ के लोगों से मेरी कनेक्टिविटी है, तो सबने इच्छा जाहिर की मैं सीकर को ही संभालूं।